Now we are going to start chapter 60, Sir Isaac Newton. तो इसमें हम जानेंगे न्यूटन के बारे में. सर इसैक न्यूटन मेड ऑब्जर्वेशंस अबाउट द वर्ल्ड दैट हैव हेल्ड अप सिंस ही पब्लिश्ड देम इन द 1680. सर इसैक न्यूटन ने कुछ ऑब्जर्वेशन बताई थी अपनी वर्ल्ड के बारे में दैट हैव हेल्ड अप सिंस ही पब्लिश्ड देम इन 1680, जितने उन्होंने पब्लिश किया था 1680 में. हिज थ्री लॉज ऑफ मोशन, उनके जो तीन लॉ ऑफ मोशन थे आर स्टिल यूज्ड टुडे टू एक्सप्लेन एवरीडे फिनोमेना हाउ प्लैनेट रिमेन इन ऑर्बिट. सो उनके जो थ्री लॉज ऑफ मोशन हैं वो आज भी यूज होते हैं एक्सप्लेन करने में कि कैसे प्लैनेट जो है वो ऑर्बिट में घूमते हैं, वहाँ होते हैं वो. Why a ball rolling on the grass substantially comes to a stop? क्यों एक जो बॉल है वो एकदम फेंकते ही नहीं रुक जाती, वो ग्रास पर रोल होती है. And why seat belts help to keep car passengers safe? और कैसे जो सीट बेल्ट होती हैं जो हम कार में बैठते हुए बांधते हैं वो पैसेंजर्स को सेफ रखती हैं. सो इनके लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी पर ही ये चीज़ें सबको पढ़ाई जाती हैं. तो आज हम जानेंगे न्यूटन की लाइफ के बारे में. सो नंबर वन पर है, न्यूटन वॉज बॉर्न प्रीमैच्योरली, मतलब 9 मंथ से पहले इनकी ये डिलीवर हो गए थे, ये प्रीमैच्योर बेबी थे एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू लिव, और इनके जीने की कोई आशा नहीं बची थी. सेकेंड पर है, न्यूटन वॉज बॉर्न इन टू अ फार्मिंग फैमिली, ये एक फार्मिंग फैमिली मतलब किसान की फैमिली के घर पैदा हुए थे. जब ये 17 साल के थे हिज मदर इंसिस्टेड, इनकी माँ ने इनको इंसिस्ट किया, ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल टू रन द फैमिली फार्म. तो इनकी माँ के इंसिस्ट करने पर ये स्कूल से अपने फैमिली फार्म को चलाने के लिए आ गए, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए आ गए. थैंकफुली हिज अंकल सक्सेसफुली परस्यूडेड हिज मदर टू लेट हिम अटेंड ट्रिनिटी कॉलेज. भाग्यवश इनके जो अंकल थे उन्होंने इनकी मदर को कन्विंस किया कि वो इसे ट्रिनिटी कॉलेज अटेंड करने दें, जो कि पार्ट था इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का. सो ट्रिनिटी कॉलेज वॉज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड, और न्यूटन के अंकल ने इनकी मदर को कन्विंस किया कि वो उसे ट्रिनिटी कॉलेज अटेंड करने दें. आगे चलते हैं, नंबर 3 पर देखिए, न्यूटन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन एल्केमी, न्यूटन को रसायन विज्ञान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. एल्केमिस्ट बिलीव, एल्केमिस्ट मानते हैं देयर इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच बेस मेटल सच एज लेड निकल और आयरन कैन बी टर्न्ड इनटू गोल्ड. सो एल्केमिस्ट मानते हैं कि एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा बेस मेटल जैसे कि लेड हो गया, निकल या फिर लोहा, इनको गोल्ड में बदला जा सकता है. ही वॉज नेवर सक्सेसफुल इन दिस एंडेवर, वो इस को करने में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए एंड नो वन एल्स हैज़ बीन ईदर, और ना ही कोई और हुआ. न्यूटन वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के मेंबर भी चुने गए थे इन 1689 में, और इन्होंने 1 साल तक यहाँ पर सर्व किया, मतलब काम किया. नंबर 5 पर देखेंगे, न्यूटन फैसिनेटेड थे रिलीजन से और बाइबल की स्टडीज से. ओके, सो ये बाइबल को पढ़ते थे, बाइबल की जो बातें थी ये उससे फैसिनेटेड थे. नंबर 6 पर, अकॉर्डिंग टू एन ऑफन टोल्ड स्टोरी, एक बहुत बताई जाती है इनके बारे में स्टोरी, कि न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, व्हेन एन एप्पल फेल, जब एक एप्पल गिरा, एंड हिट हिम ऑन द हेड, और इनके सिर पर लगा. दिस इवेंट सपोजिडली थ्योरी ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन
was starting out a window in this house when he saw the apple fall from a tree. So, इससे गुरुत्वाकर्षण की जो theory है वो existence में आई and जब उन्होंने क्या देखा, अपनी window से भी एक apple को नीचे गिरते हुए देखा. Newton owned more books about history than any other subject. History, किसी भी subject से ज़्यादा इनके पास history की books रहा करती थी. In 1696, Newton became a warden of the London Mint. ये London Mint के warden बने, which was the government organization in charge of producing money. जो एक government organization थी और in charge of producing money. At the time, many criminals were engaged in counterfeiting or was given the tough task of stopping counterfeiters. Okay? So, ये जो उस टाइम पर बहुत सारे क्रिमिनल्स जो थे वो काउंटरफिटिंग में एंगेज थे और ये एक बहुत टफ टास्क था कि इनको रोका जाए. ओके, आगे चलते हैं. नाउ सर आइजैक न्यूटन स्टिल इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन हिस्ट्री. इतिहास में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली फिगर्स हैं उनमें न्यूटन अब भी शामिल हैं. चेक योर नॉलेज अबाउट सर आइजैक न्यूटन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर ऑफ टाइम, व्हेन वाज सर आइजैक न्यूटन बॉर्न? तो इनका जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1643. सर आइजैक न्यूटन एंड हिज फादर शेयर्ड द सेम नेम, ट्रू और फॉल्स? सो आइजैक न्यूटन और उनके फादर का नेम सेम था. Yes, this is true. After attending Grantham School, Grantham School attend करने के बाद, where did Sir Isaac go to continue studying? अपनी study को continue करने के लिए ये कहाँ गए? Trinity College, जो Cambridge University के under आता था. What was the reason for his return to home from Cambridge in 1655? 1655 में कैम्ब्रिज से लौटने का जो इनका रीजन था वो क्या था? सो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्लोज ड्यू टू द प्लेग इन द समर ऑफ 1655. प्लेग के कारण एक महामारी आई थी, उसके कारण कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई थी, इसीलिए ये वापस आ गए थे. इन वॉट फील्ड डिड न्यूटन मेक रिवॉल्यूशनरी एडवांसेस आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम कैम्ब्रिज? कैम्ब्रिज से घर वापस आने के बाद ऐसी कौन कौन सी क्रांतिकारी खोज इन्होंने की है या थ्योरीज इन्होंने लिखी हैं और किस किस फील्ड में लिखी हैं? तो वो फील्ड हैं एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ऑप्टिक्स एंड फिजिक्स. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन अगेन. इन व्हाट फील्ड्स, किन फील्ड्स में न्यूटन ने रिवॉल्यूशनरी एडवांसेस बनाए हैं, क्रांतिकारी थ्योरीज बनाई हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से घर लौटने के बाद? तो वो फील्ड हैं एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ऑप्टिक्स एंड फिजिक्स. लेट्स गो अहेड. नंबर 6 क्वेश्चन. एज अ प्री मैच्योर न्यू बॉर्न ही वॉज, क्योंकि वो प्री मैच्योर पैदा हुए थे, समय से पहले पैदा हुए थे, तो वो थे टाइनी, बहुत छोटे एंड वेरी वीक और बहुत कमजोर. इज द हाउस वेयर सर इज़ैक वॉज बॉर्न स्टिल स्टैंडिंग? क्या वो घर जहाँ ये पैदा हुए थे अभी भी है? नो, नहीं है. हाउ ओल्ड वॉज न्यूटन व्हेन ही बिकेम ल्यूकाशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कैम्ब्रिज? जब ये कैम्ब्रिज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बने तब ये कितने साल के थे? 26 ईयर्स ओल्ड ये थे. ऑल्दो न्यूटन वॉज वेरी ब्रिलियंट, यद्यपि न्यूटन बहुत ब्रिलियंट थे, बट ही हैड एटीट्यूड प्रॉब्लम. उनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम थी, वो क्या थी? ही सफर्ड फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर. तो ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है जिससे इंसान में कुछ टाइप्स ऑफ एटीट्यूड प्रॉब्लम्स आती हैं. लास्ट क्वेश्चन. इज इट ट्रू, क्या ये सच है, दैट इज़ैक न्यूटन बिल्ड द फर्स्ट प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप?
इन्होंने पहला प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया था? नहीं, दिस इज फॉल्स। सो बच्चों, हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली न्यूटन के बारे में, इसे आप दोबारा पढ़ेंगे और अच्छे से लर्न भी करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।